हेलो, देखो भाई, राम राम सारे घर भजन है। आज शनिवार है, बारिश हो रही है, बच्चे कह रहे हैं आज चिल्ला खाएंगे, तो हम नई चिल्ला की रेसिपी तैयार की है। हम बना रहे हैं आज चिल्ला और अब इसमें क्या डाला है याद ही तुझे पता है? बेसन और प्याज, और थोड़ा सा सूखा धनिया, हरी मिर्च, नमक ले लो। और स्वाद के अनुसार। हाँ ये ले लो मम्मी, ये हाँ लेंगे बेटा, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे। स्वाद के अनुसार डाला है नमक, और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा गरम मसाला, और ये डाल दिया, ये ऑयल डाल दिया। इसके साथ में थोड़ा सा हम लगा देते हैं बीच में भी, ठीक है ना मम्मा? हाँ बेटा, लो। अरे ये बाद में लेंगे ना, अभी तो उसको गर्म होने दे, अभी बाद में उतारेंगे। ठीक, क्योंकि बच्चे कह रहे थे आज हम मीठा नहीं खाएंगे, नमकीन खाएंगे। मीठा नहीं खाते, मीठा खाना चाहिए, मीठा भी खाना चाहिए। मीठा और नमक दोनों तरह का खाना चाहिए बेटा, ये नहीं एक एक चीज का। लो चिल्ला मन क्या? हाँ अभी इसमें होती है पलटने में दिक्कत, लेकिन आराम आराम से इसको ऐसी चिल्ला बन गया, और इसको बेटा अच्छा बनेगा, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ फर्स्ट क्लास बनाना है, देखो चिल्ला, क्योंकि बारिश के मौसम में चिल्ला खाने का अलग ही स्वाद टेस्ट होता है। अब इसको गोल गोल घुमाएं, और गोल गोल सबसे बड़ी समस्या है इसको पलटा मारन की। ये लग गई, वेरी गुड। देखो भाई, ये हमारा चिल्ला बनकर तैयार हो गया है। ये यादवी का चिल्ला है, और ये अर्णव का चिल्ला है, और इनके बाद फिर मैं अपना बनाऊंगी, और इसको खा सकते हैं हम दही के साथ, सॉस के साथ, और लेकिन मैं खाऊंगी चाय के साथ। बच्चे खाएंगे दही के साथ, आप दही के साथ खाओ, दही के साथ खाओगे, ठीक है बेटा, दही के साथ खाना। उठा लाओ फ्रिज से, बाहर निकाल क्या वाटर, वाटर पिएगा, पहले तो रखा भाई। जरा सा पानी कर लें, क्योंकि ये फिर आटा रह जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा माँ। हाँ बेटा जी, पानी डाल दो इसमें। नहीं और पानी नहीं डालना, इसको रखाओ उधर पीछे, बंद कर दो। बेटा अब नहीं छेड़ना इसको, अब तो खाना है। इससे हम लोग मक्खन भी लगा के खा सकते हैं। पानी उधर रखा बेटा, खाएगा चिल्ला ही खाना बेटा। स्पेशल ये नमकीन ही तो है, तोड़ ले एक बुकड़ खा कर देख ले। चल खाती है, समझ मत के। हाँ ये डाल दे बेटा, देखो ये दही डाल दे। हाँ हाँ हाँ
कितना दही डाल दी? हाँ भाई, अब खाते हैं हम खाना। हमारी जो यादवी है या खारी है दही के साथ है, और मैं खाती हूँ चाय के साथ, क्योंकि मुझे चाय ज़्यादा पसंद है और चिल्ले का चाय का टेस्ट ज़्यादा वो करती हूँ। और अन्नी खा रहा है दही के साथ। ले बेटा खाओ, कोई बात नहीं, और खाओ भाई, खा के बताओ ठंडे मौसम में चिल्ले का स्वाद है कैसा लगता है और कैसा बना है। और खास इसके अंदर कोई वो नहीं है तो ज़्यादा खर्चा नहीं, इसके साथ खाओगे बेटा, इसके साथ खा ले, खा ले, खाओ खाओ, ये ले खाओ, ये खा लो बेटा, खा लो जो मर्जी जिसके साथ खा लो। हाँ, जिसके साथ, क्योंकि खर्चा थोड़ा है और टेस्ट करना बेटे, दोनों चीज़ नहीं चलेगी, दही और चाय एक चीज ले लिया। हाँ नहीं बेटा, बच्चे दही खाते हैं, ठीक मानना करो, अच्छे बच्चे हो। चाय पियोगे काले हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, पढ़ाई नहीं आएगी, आएगी पढ़ाई। अच्छा, गैस बनेगी पेट के अंदर बेटा, गैस बन जाएगी। चल खा लेते, तो माँ जी की रिस्क करा है। मैं तो बेटा मौसम की वजह से फिर ही हूँ, नहीं तो मैं भी दही के साथ खाती, ले तो चल मैं दही के साथ खा लूँगी, ठीक है बस। चल, पर गुस्सा होगा पापा ना, ले ना गुस्सा नहीं। चल खाओ प्यार से खाओ पापा। ना बेटा ठंडा है, मम्मी चाची इतने शरारती बच्चे हैं, गर्म चीज़ को ठंडे कहेंगे, ठंडे को गर्म कहेंगे, ठीक है भाई। पेरेंट के पेटीएम में जाना है, जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, ये नवाने भी हैं क्योंकि लेट उठे थे। और वीडियो को ब्लॉग को पूरा देखना प्लीज, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा हो किसी बहन भाई ने, तो प्लीज़ वीडियो देखकर जरूर कर जाना, क्योंकि आपस के ही सहयोग से काम बढ़ेगा और इसमें आपस के सहयोग से ही प्यार बढ़ेगा, क्योंकि प्यार में ही सब कुछ है, सारी कुछ सब कुछ कमाई के पीछे नहीं होता, लेकिन मनोरंजन और प्यार सबसे बढ़िया है। इसलिए हम चलते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, पेटीएम में जाना बच्चों के स्कूल में, अगले ब्लॉक में फिर मिलते हैं। राम राम जी, सारा के राम राम करो करो बेटा, सारी दादी की राधा स्वामी करो, राम राम करो, हाथ जोड़ो, बोलो ऐसे बोलते हैं, राम राम जी सारी बहन भैया ने।